हाउस ऑफ प्रेयर परिवार के तरफ से हम आप सबका अभिवादन करते हैं कि बहुत सारे लोग शायद इस समय को पता नहीं कैसे बिताते होंगे, पर आपने ये चुना कि आप प्रभु के वचनों में आगे बढ़ो, प्रभु के वचनों से सीखो और परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। हम प्रभु को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, पर हमारे लिए परमेश्वर ने मार्ग निकाला और ऑनलाइन माध्यम से हम प्रभु के वचन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम आंखें बंद करें, छोटी सी दुआ करके हम प्रभु के वचनों में और आज की बाइबल स्टडी में जाते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरे के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप दयालु हो, भले हो, अनुग्रहकारी हो। प्रभु, हमें ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप हो, ज्ञान के स्रोता आप हो परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि मेरे साथ, मेरे परिवार और प्रभु जितने भी लोग आज बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, उनको और उनके सारे परिवार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम में आप क्षमा करें। हमारे वाणी, बर्तन, विचार, व्यवहार से हुए सारे पाप और धर्म को आप क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उनके सारे पाप क्षमा किए गए हैं। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे सारे पापों को क्षमा किया गया है। प्रभु, आप हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें आपके बेटे और बेटियां बनाने का प्रभु आपने ये प्रिविलेज दिया है। हम धन्यवाद करते हैं और अब्बा बाप कह के, डैडी कहकर, पप्पा कहकर हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे हृदय को, हमारे मन की आंखों को तू खोल दे प्रभु, ताकि प्रभु आज तेरी बातों से हम सीखने पाए, प्रभु तेरे विषय में हम समझने पाए। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, वर्ड शब्द जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, मनुष्यों के बीच में आया, यहूदी लोग जो उनकी पसंद की हुई प्रजाति थी उनके बीच में आया, और प्रभु परमेश्वर का पुत्र यानी क्या, वो हम काफी कुछ समझे हैं, पर प्रभु आज थोड़ी और गहराई में हम जाना चाहते हैं, ताकि कोई भी चीज, कोई भी बातें, कोई भी नई बातें जो इस संसार में फैली हुई है वो हमें भरमाने ना पाए, वो हमें प्रभु आपकी पहचान से दूर ना ले जाए। पर प्रभु, चाहे कैसी भी बातें आए, जब हम तेरे वचन में स्ट्रांग होंगे, जब हमारा जीवन प्रभु खड़क के ऊपर, पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर यानी कि आपके वचनों के ऊपर बंधा गया होगा, कोई भी आंधी या तूफान हमें प्रभु गिरा ना पाएगी, और तेरे वचन से हमें वो सामर्थ्य प्रभु, आज तेरे वचनों से हमें आप सिखाइए प्रभु, आपके वचनों के द्वारा आज आप हमसे बात कीजिए, ताकि हम भी प्रभु चट्टान के ऊपर बने हुए घर के समान बनने पाए। पवित्र आत्मा, हम सभी हमारा पूरा अधिकार आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी वाणी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आप पवित्र आत्मा हम सबके साथ बात करिए प्रभु, आपके बच्चों को, हम सभी को प्रभु आप सिखाइए। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से है, आप सुने और ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हमने देखा था प्यारों कि परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड यानी कि खुद परमेश्वर, परमेश्वर का अधिकार, और इन बातों को थोड़ी आज गहराई में हम देखें, थोड़ी गहराई में हम जाए, क्योंकि यही शब्द परमेश्वर का पुत्र और भी लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, और उसके पहले प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुद परमेश्वर पिता ने आकाश से वाणी की थी, यहाँ तक कि शैतान या अवदूत जिसको दुष्ट आत्मा जिसको आप कहो, उनके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी कि उनकी विटनेस है, साबिती है कि कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र शब्द इस्तेमाल किया। उनके चेलों ने भी यही वर्ड उनके लिए काफी बार, और यदि आप पत्रियां देखोगे तो काफी बार ये शब्द इस्तेमाल होता है। हम क्यों सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, इस सब्जेक्ट को क्यों इतना भार देते हैं, क्योंकि क्यों इतना महत्व देते हैं, क्योंकि यदि आप उद्धार के विषय में रोमियो की पत्री में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु कहकर हृदय में विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर कि वो परमेश्वर का पुत्र है,
यहुन्ना की जो पत्री है, पहली पत्री, उसमें भी आप यदि चौथे या पांचवें अध्याय में, आप यदि पांचवें अध्याय में वहां पर आप यदि उसका अध्ययन करोगे तो यही बात लिखी होगी कि इस संसार में कोई भी मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को, यानी कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है और इस संसार में देह धारण करके आया, उसको यदि तू अपने मुंह से अंगीकार कर कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो वो उद्धार पाया है, वो अनंत जीवन पाया है। तो इसीलिए इस बात को हम बार बार दोहराते हैं और इसको थोड़ा डीपली हम स्टडी कर रहे हैं। इस विषय में हम आगे जाए उससे पहले एक छोटी सी बात बताकर हम विषय में आगे बढ़ेंगे। नहीं, आज बहुत सारी बातें हम अलग अलग रेफरेंस है, पुराने नियम, नए नियम, हर अलग अलग जगह से हम रेफरेंस निकाल कर ये स्टडी कर रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं। प्यारो, ये अध्ययन करना इसलिए जरूरी है, मेरे साथ बीती हुई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सभी सुसमाचार देना चाहते हैं, हम सभी प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताना चाहते हैं। तो जितना डीपली हमें पता है, जितनी गहराई से हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी यानी कि उनका, उनके देवत्व के बारे में, उसके ईश्वरत्व के बारे में जितना हम जानेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से हम लोगों को बता सकेंगे। और दूसरी एक बात कि मेरी आराधना, आखिर में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसके साथ संबंध में रहे। मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध या मेरा परमेश्वर की आराधना करना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी गहराई से मैं उनको जानता हूँ। परमेश्वर की पहचान ही हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर, अब हमारा वर्शिप का लेवल, हमारा आराधना का लेवल उससे बड़ा नहीं हो सकता जितनी गहराई से हमने प्रभु को नहीं जाना है। यानी कि हमारी पहचान, परमेश्वर के प्रति हमारी पहचान, वो ही हमारी आराधना का लेवल होगा। परमेश्वर की पहचान कम हो और हमारी आराधना का लेवल बड़ा हो, ये कतई ही मुमकिन नहीं है। और ऐसा और भी मुमकिन नहीं है कि यदि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ चुके हैं और हमारी आराधना का लेवल उतना नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जितना ही हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमारी आराधना, मैं वर्शिप नहीं, सिर्फ गाना गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके उनके अडोरेशन की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की वर्शिप की बात कर रहा हूँ, उसकी पूजा करने की बात कर रहा हूँ, उसको एक परमेश्वर के साथ की गहराई के संबंध की वाली वर्शिप की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो जितना हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, उतना ही हमारी आराधना का लेवल भी बढ़ेगा, उतनी गहराई से हम उसको जितना गहराई से हम उनको जान पाएंगे, उतनी ही अच्छे से हम उसकी आराधना कर पाएंगे। मैं जब मसीह में आया, यानी कि सही रीति में प्रभु यीशु मसीह को एक जीवित परमेश्वर के रूप में, वो आज भी जिंदा है और हमारे बीच में है, ऐसा करके जिस दिन मैंने जाना, मैंने परमेश्वर का एनकाउंटर मुझे हुआ, वो आने वाले समय में यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं बताऊंगा, परमेश्वर की यदि इच्छा है। पर एक दिन जब, यानी कि जब मैं मसीह में आया, प्रभु में बढ़, प्रभु की पहचान मिली, प्रभु की सच्ची पहचान मिली और मैं बढ़ता गया। और जब शुरुआत का समय था तो एक, नहीं, जब हम मसीह में आते हैं, जो हमें मिला है हम रुक नहीं पाते हैं कि हम लोगों को जाकर बताएं। जैसे चेले भी कहते हैं कि नहीं, जिस यीशु, जो यीशु हमें मिला है, हम कैसे कर उनको, लोगों को ना बताए, जो हमें मिल चुका है उसकी बातें हम बताने से रह नहीं सकते। तो वही होता है जब हम नहीं प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में हम जब उनको जान जाते हैं, हम रुक नहीं पाते हैं लोगों को बताए। तो जब शुरुआत का समय था मेरा, मैं प्रभु में बढ़ रहा था, शुरुआत थी मेरी, तो हम बहुत ही उतावले थे, लोगों को जगह जगह कर, हम जगह जगह पर हम लोगों को सुसमाचार देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे एक मित्र है, उनकी ऑफिस पे मैं और वो बैठे थे और एक नहीं साधु के वेश में एक व्यक्ति वहां से जा रहा था। हमारा ये नहीं एक प्रयत्न रहता था कि कैसे करके जो मसीह, जिसमें उद्धार की आशा हमें मिली, जिसमें उद्धार हमें मिला, पापों की क्षमा जो पूरा संसार ढूंढ रही है, किसी के पास लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे कर हमें पापों की क्षमा मिले। तो जो वो उद्धार की, पापों की क्षमा की जो बातें हैं, वो कैसे कर हम लोगों तक ले जाए। एक गुरुजी वहां से जा रहे थे और नहीं हम
प्रयत्न भी करते थे कि कैसे करके हम लोगों की मदद करें, कैसे करके उनकी जो नहीं जो भी हम लोगों के लिए कर पाए वो करें। तब मैं जब जॉब करता था, सेवा में नहीं था, सेवकाई में नहीं था पूर्ण रूप से, तो उस साधु जी को हमने बुलाया, बिठाया, उनको पानी पिलाया, उनसे थोड़ी बहुत बात की और बोला कि हम नहीं क्या कर सकते आपके लिए। तो बोला, उन्होंने बोला कि जो भी आप नहीं दिला सकते हो आप दिलाओ। तो हमने वहां से उनको पूछा कि क्या आप नहीं बिस्किट वगैरह कुछ खाओगे, उन्होंने बोला हाँ जो भी खिला दो। फिर उन्होंने नहीं ऐसे शास्त्र की बातें करनी शुरू की, तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं भी थोड़ा बहुत अन्य शास्त्रों के बारे में पहचान यानी कि थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, तो मैं भी उनके साथ जुड़ा। और आखिर में मैंने जब उनसे उनके साथ बात करनी शुरू की बाइबल के ईश्वर के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में, तो मुझे बाइबल का सहारा लेना पड़ा। मैंने बाइबल निकाली और मैं उत्पत्ति से कुछ बातें उनको बताने लगा और तुरंत उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपका ज्ञान कैसा है कि आपको ये शास्त्र खोलकर मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है, आपका ज्ञान कैसा है आपके परमेश्वर के बारे में कि आपको शास्त्र खोलकर मुझे यानी कि जो नहीं जानता उनके बारे में बेसिक थिंग्स बताने के लिए मुझे शास्त्र की जरूरत पड़ रही है। उसी क्षण मेरे दिमाग में ये बात उतर गई कि मुझे मेरे परमेश्वर के बारे में और गहराई से जानना है ताकि मैं मुंह से उनके साथ बात करते करते उनको समझा सकूं। देखो कई बार नहीं जब भी हमारा क्रिटिसिज्म हो प्यारो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, पॉजिटिव मेंटालिटी रखे कि उसमें भी हम क्या सीख सकते हैं, कैसे अपने आप को हम बेहतर बना सकते हैं। और उस दिन से मैंने और गहराई से बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जो भी मैं पढ़ता था प्यारो, एक डायरी रखिए, एक नोटबुक रखिए, है ना, जिसमें आप लिखो जो भी आप सीख रहे हो वो लिखते जाओ, ताकि जो आप लिखो, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि जो आप लिखोगे वो आप अच्छे से याद रख सकोगे, है ना। तो यही एक रीजन था जहां से मुझे मोटिवेशन मिला, है ना, उस अन्य धर्म के गुरु से मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं उत्पत्ति का वर्णन या कुछ भी मैं उनको मुंह से ऐसे नहीं, मेरे अंदर होना चाहिए कि मैं लोगों को बता पाऊं। आज काफी साल हो गए और इन दिनों में इतने सालों में जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत परमेश्वर के बारे में जितना भी जान पाए हम प्रयत्न करते हैं इन दिनों में, शायद सब कुछ तो हम नहीं ला सकते पर विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए जितना भी हम आपको बता पाएंगे। अभी हम सब्जेक्ट में आगे जाए उसके पहले ट्रिनिटी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। प्यारो बहुत सारी मसीहत में बहुत सारे ऐसे शब्द है, यदि आप बाइबल में उनको ढूंढने जाओगे उस शब्द को तो वो शब्द आपको नहीं मिलेगा। जैसे इन दिनों में प्रभु के दास पास्टर अमित साहब ने एंड टाइम्स के विषय में यानी कि मेजर इवेंट्स ऑफ एंड टाइम्स उसके ऊपर बाइबल स्टडी ले रहे हैं और बहुत गहराई से उन्होंने बहुत अच्छे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ बहुत ही अच्छे से वो शिक्षा दी हमें। और प्यारो उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है ना, परमेश्वर का धन्यवाद करना कि ऐसे लोग आपको मिले हैं कि जहां पर जिस चीजों को समझने की बहुत ही जरूरी है वो आपको इजीली अवेलेबल है और आप सीख रहे हो और बहुत गहराई से सीख रहे हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उन सारी बातों के लिए। तो वहां पर एक शब्द था रैप्चर। आप एस्पेशियली रैप्चर शब्द को सीधे सीधे तौर पर बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक, प्रकाशित वाक्य तक आप देखोगे तो सीधा रैप्चर शब्द आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, पर वो एक लेटिन शब्द है जो वहां पर बताया गया था नहीं पास्टर अमित के द्वारा, उनके ऊपर से जो कॉट अप शब्द है ना, कॉट अप वो शब्द यूज किया गया है। और उसका यदि आप लेटिन में डीप में जाओगे तो वहां वो शब्द लिखा गया है, उसके ऊपर से रैप्चर शब्द बनता है। रैप्चर शब्द सीधा सीधा नहीं आ गया, पर यदि आप थियोलॉजी की बात करें, देखो कुछ कुछ शब्द है जो लोग अपने आप में बहुत बड़ा बना लेते हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन है ना, थियोलॉजी। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। थियो, थियो का मीनिंग है परमेश्वर, देव है ना, परमेश्वर ईश्वर, और ओलॉजी यानी कि स्टडी। तो थियोलॉजी का सिंपल अर्थ होता है परमेश्वर का अध्ययन, परमेश्वर की स्टडी, परमेश्वर के बारे में स्टडी। और डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऐसा है कि कोई भी वचन को हम लेते हैं उसको समझते हैं और जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बारे में सच्चाई जान पाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक थियोलॉजी स्क्रिप्चर मस्ट एक्सप्लेन स्क्रिप्चर, यानी कि वचन ही वचन को समझाना चाहिए,
हम बात कर रहे थे रैप्चर की शब्द की, उसके जैसा ही एक वर्ड है ट्रिनिटी, जो यदि आप ढूंढने जाओगे पूरे बाइबल में तो सीधा सीधा ट्रिनिटी शब्द नहीं मिलेगा, वैसे ही रैप्चर। तो रैप्चर के ऊपर क्या हम विश्वास करें? हाँ कर सकते हैं। क्यों? सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अनुसार थियोलॉजी कब कोई बात डॉक्ट्रिन बन पाती है, किसको हम डॉक्ट्रिन कह सकते हैं और सच्ची डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, सच्ची डॉक्ट्रिन कोई भी थॉट है ना, एनी कोई भी विचार हिंदी में है ना, मेरे हिंदी थोड़ी कमजोर होती है तो नहीं, मुझे अलाउ करिएगा कि कुछ शब्द मैं इंग्लिश में बोलूं, और मैं बेसिकली गुजराती बाइबल स्टडी करता हूं तो नहीं हिंदी वर्ड बोलने में मुझे बहुत आपत्ति होती है, तो कई जगह पर आप मुझे इंग्लिश वर्ड यूज करने का नहीं प्लीज अलाउ मी। सो कोई भी थॉट जब आपको पुराने नियम में मिले है ना, देयर मस्ट बी अ रेफरेंस इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट, देन उसके बाद वही थॉट लाइन वही चीज प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उनकी अर्थली लाइफ है ना उसमें उन्होंने कम्युनिकेट किया होना चाहिए, और जो प्रारंभिक कलीसिया थी उनके द्वारा भी वही बात है ना, इट मस्ट बी रेफरेंस्ड इन द अर्ली लाइफ ऑफ द चर्च, जो चर्च पहले की कलीसिया थी, प्रथम की कलीसिया जिसको हम बोलते हैं, उनके लाइफ में वही बातें बताई गई होनी चाहिए, वहां पर उनका रेफरेंस होनी चाहिए, यानी कि पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह जो ब्रिज है पुराने नियम और नए नियम के बीच में, जो ब्रिज है, और नया नियम एक्चुअली देखो नया नियम भी कब होता है, जब कोई जो बलिदान है उसका जब मृत्यु होता है उसके बाद से वो वाचा शुरू होती है ना, प्रभु यीशु मसीह की जब डेथ हुई लहू बहाया गया वास्तव में वहां से नई वाचा शुरू हुई है ना, और अर्ली चर्च जो प्रारंभिक कलीसिया थी उन्होंने भी वो बात बताई गई होनी चाहिए, कम्युनिकेट की होनी चाहिए, तब आप उसको सच्ची डॉक्ट्रिन कह सकते हो। तो ट्रिनिटी के विषय में हम पहले रैप्चर का सिर्फ आपको सिर्फ नहीं बेसिक बता दो, पुराने नियम में ओल्ड टेस्टामेंट में आप इनोक के बारे में हनोक के बारे में वो बात जानते हो कि उनको नहीं परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के साथ वो चलता गया और वो नहीं कॉट अप है, और उसके बाद एलिया भी है ना, एलिया का भी उसी तरीके से वर्णन है, यानी कि ये बात पुराने नियम में हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह के समय में खुद प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ है ना, शरीर के साथ पुनरुत्थान पाया हुआ शरीर के साथ वो लोगों 500 से ज्यादा लोगों के सामने वो स्वर्ग में गए, और नहीं उसके बाद यानी कि तब तो नया नियम आ चुका था और प्रारंभिक कलीसिया भी आ चुकी थी, और वही बात को कि भाई हमने उनको देखा है अपनी आंखों से जाते हुए और वैसे ही हम उनको आते हुए भी देखेंगे। ट्रिनिटी यानी कि उसको सही में यदि मैं उसको बोलूं तो मैं ज्यादातर ट्रिनिटी ना बोलकर ट्रायोनिटी बोलना पसंद करता हूं, क्योंकि उसमें वो अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है ना, ट्रायोनिटी। तो ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, पर क्यों हम इसको देख रहे हैं, ताकि परमेश्वर का पुत्र है ना उसको हम समझ रहे हैं, इसलिए आप आइए मेरे साथ उत्पत्ति उसका पहला अध्याय है ना, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर, क्यों प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड कहा गया है ना, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये थ्री पर्सन बट दे आर यूनाइटेड है ना, आप उसको ऐसे विभाजित नहीं कर सकते, वो थ्री देर इज अ वन गॉड, एक परमेश्वर है पर वो तीन पर्सन है, पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो क्या पुराना नियम इसको इसके बारे में बताता है, बहुत जगह पर बात करता है, पर थोड़ी ही बात हम एक या दो ही बात हम सीखेंगे। उत्पत्ति एक और एक इसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर है ना, यहाँ पर जो ओरिजिनल आप हिब्रू शब्द में पुराना नियम लिखा गया है, स्पेशली ये सब किताबें है ना, आदि में परमेश्वर, जो परमेश्वर शब्द है वो है एलोहिम, इसके आगे हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
यहाँ जो एलोहिम शब्द है, परमेश्वर शब्द है, उसके आगे तीसरी आयत में भी जब परमेश्वर ने कहा, देखो एलोहिम शब्द वो अपने आप में एक प्लूरल शब्द है, बहुअर्थी नहीं, यानी कि वो एक नहीं है। जब एलोहिम लिखा गया है तो वो एक नहीं है पर ज्यादा है, यानी कि तीन है ना। आगे भी हम देखेंगे कि उत्पत्ति 1 और 26 में, वहां आइए हम है ना 26वीं आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो परमेश्वर और कहा यानी कि उसने बोला, तो जो शब्द है ना, शब्द वो प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर, परमेश्वर ने कहा, जो शब्द है जो निकला, जो शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा वहां पर कार्य करता है। तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पर ये तीनों मिलकर, देखो इसमें कोई भी जूनियर नहीं है ना, कोई भी जूनियर नहीं है, ऑल आर इक्वल, दे को एग्जिस्ट एंड को इक्विवेलेंट, को एग्जिस्ट एंड को इक्विवेलेंट, वो एक समान है, यानी कि कोई भी जूनियर नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सब एक समान है और एक साथ है, एक साथ काम कर रहे हैं। देखो तीन तीन परमेश्वर एलोहिम, इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो है एलोहा, यानी कि यदि इसको एक, यदि किसी एक की बात आप करो तो उसका हिब्रू में शब्द होगा एलोहा, और एलोहिम शब्द जब भी आता है तो वो प्लूरल है, वो अकेला नहीं है, यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। 26वीं आयत के, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम वो वहां पर लेट अस, इंग्लिश में लिखा है लेट अस, यानी कि अगेन वो प्लूरल है ना, एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्रभु यीशु के समय में, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, तो सब रेफरेंस हम नहीं देखेंगे, बट यदि आप मत्थी रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 14 से 17वीं आयत यदि आप पढ़ो, थोड़ा हम स्पीड में जाते हैं इसलिए ये आप रेफरेंस लिख लीजिए और उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, है ना, रेफरेंस प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप स्टडी कर पाओ, यहाँ सब कुछ हम नहीं दे सकते, हम आपको काफी चीजें रेफरेंस में देंगे। मत्थी रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 14 से 17 आयत, मत्थी उसका 3रा अध्याय और 14 से 17 आयत, देखो सब कुछ ना पढ़ते हुए सीधा हम नहीं उसकी बात करती है। और यीशु 16वीं आयत, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तो यहाँ पर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है जो बपतिस्मा ले रहे, ये उनकी लाइफ है ना, प्रभु यीशु मसीह का अर्थली लाइफ। हमने पुराने नियम बहुत सारे रेफरेंस है, हमने सब नहीं देखा है ना पुराने नियम के, सिर्फ वी वांट टू एस्टैब्लिश दिस डॉक्ट्रिन, है ना, इसको हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हाँ ये है, ऐसा है। तो प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा पाए, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है बॉडीली रूप में, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर के समान उतरते हुए देखा गया, है ना, कबूतर के समान कौन उतरा, पवित्र आत्मा, कबूतर वो पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसी गलत फहमी कभी मत करना, पवित्र आत्मा ये सिर्फ नहीं, उनके समान ऐसा लिखा है, तो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है। और 17वीं आयत, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, यानी कि पिता ने आकाश से पुत्र के बारे में वाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा को उतरते हुए आप देख रहे हो, और पिता जो आकाश से वाणी कर रहा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के दरमियान भी बहुत सारी बातें हैं, ये एक ही रेफरेंस हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये ट्रिनिटी को, ट्रायूनिटी को आप देख सकते हो, है ना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को आप देख रहे हो। अर्ली चर्च के बारे में, स्टेफनुस के बारे में, स्टीफन के बारे में आप जानते हो, है ना, स्टेफनुस को जब ये बातें आपको मिलेगी प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय की 55वीं आयत, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, ये रेफरेंस लिख लीजिए आप घर पे, आपके समय में इसको स्टडी करिएगा, है ना, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और
55वीं आयत मैं आपको पढ़ता हूँ। यहाँ पर स्टेफन को आप जानते हो कोई पत्थरों के द्वारा उनको मार दिया गया था, है ना। तो वहां पर जो बात हुई 55वीं आयत से, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, किसने? स्टीफन ने, स्टेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्गी स्वर्ग की ओर देखा। यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस है, ये कुछ कुछ रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण होकर, यानी कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी, कहाँ देखा? स्वर्ग की ओर देखा। और वहां पर वो क्या देखता है? और परमेश्वर की महिमा को, किसको? परमेश्वर की महिमा को और यीशु को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर अभी स्वर्ग में गया था, है ना, और वो स्वर्ग में है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पर है। स्वर्ग में किसको देखता है स्तिफनुस? परमेश्वर की महिमा को, यानी कि परमेश्वर को, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को, यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखता है। यानी कि अगेन पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, यानी कि ये ट्रिनिटी शब्द भले ही बाइबल में ना हो पर ये विश्वास योग्य है। ये बेसिक, ये सब बेसिक विश्वास की बातें हैं जो जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं थोड़ा इंक्लूड कर सकता हूँ। और इससे हमें और भी सहायता मिलेगी कि हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में हम ज्यादा समझ पाए, और क्यों जब भी परमेश्वर का पुत्र शब्द आता है तो क्यों सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यानी कि जिसको हम परमेश्वर कह सकते हैं, क्यों उसको परमेश्वर कह सकते हैं जब भी सन ऑफ गॉड शब्द आता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और कितने लोगों ने इनका विटनेस किया? आइए अभी हम रियल सब्जेक्ट में जाते हैं जो हम पिछले दिनों से देख सकते हैं। यदि कोई आज ही देख रहा है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि इसके आगे की हमारी बाइबल स्टडी जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम ले रहे हैं उनको आप देखिएगा, ताकि ये इसको आप देख पाओ, समझ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का पुत्र पिता ने भी कहा है ना, जो हमने एक रेफरेंस देखा। दूसरा भी आप रेफरेंस लिख लो, मत्ती 17:5 में, यहाँ टेस्टिमनी ऑफ द फादर गॉड, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वह बोल ही रहा था, मत्ती 17:5, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। ये कब की बात है? वो रूपांतर के पहाड़ की बात है। और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यानी कि पिता परमेश्वर पुत्र के बारे में, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में टेस्टिमनी, विटनेस कर रहे हैं, वो साक्षी दे रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है। वहां पर जो शब्द है वो सन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये खुद भी परमेश्वर पिता खुद कह रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है। पर यह आगे देखेंगे किस रीति से उनको पुत्र कहा गया है। एंजल्स, ये पिता की विटनेस हमने देखी कि पिता ने खुद कहा। एंजल्स जो स्वर्गदूत है, उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड कहा गया है। स्वर्गदूत गैब्रियल, जिब्राइल हिंदी में है, जब वो कुमारी मरियम के पास आता है, आप रेफरेंस लिख लीजिए, लुका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 26-38 आयत में, यदि आप वहां पर 35वीं आयत पढ़ोगे, 35 वर्स पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने, जो जिब्राइल आया है उसने, गैब्रियल आया है उसने, उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, यानी कि जो बच्चा जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। एंजल्स यहाँ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करते हैं ये शब्द। और परमेश्वर का पुत्र, उसके विषय में हमने काफी सारी बातें ने पिछली बाइबल स्टडी में देखी हुई है कि क्यों हम उसको परमेश्वर कहते हैं, क्यों हम परमेश्वर मानते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड कहा गया है, वो परमेश्वर का पुत्र, यानी कि परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की सामर्थ, खुद परमेश्वर, परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन इस संसार में, वो बात है। यहाँ तक कि डीमंस, दुष्टात्माएं, उनको, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड कहा, परमेश्वर का पुत्र कहा। आप यदि डीमंस रिकॉग्नाइज जीसस एज अ सन ऑफ गॉड, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 28 आयत से 29 आयत आप पढ़ोगे तो आपको पता है, वो नहीं दुष्ट आत्मा जो उनको देखकर कहते हैं
क्या कहते हैं, उन्होंने दुष्टात्माओं ने, उन्होंने मतलब दुष्टात्माओं ने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? यानी कि डीमंस आके, वो पहले स्वर्गदूत थे, वो सारी बातें हमने आपको जब जब हमें समय मिला है चर्च के दौरान हमने आपको सिखाया है कि वो स्वर्गदूत नहीं, जो आज दुष्टात डीमंस पतित हुए दूत, या डीमंस अलग है, पतित हुए दूत, वो यदि परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में वो सब नहीं, उनका डिफ्रेंसिएशन हम देखेंगे। डीमंस ने भी ये बातें कबूल की कि वो परमेश्वर का पुत्र है। जीसस प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने विषय में बहुत बार, पर कुछ कुछ रेफरेंस हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:25 भी आयत, ये आप रेफरेंस लिख लीजिए, खुद प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:25 भी आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। ये रेफरेंस हमने पिछले स्टडी में भी देखा था, है ना, और उसी के कारण उनको नहीं, यहूदी लोग वहां के इजरायली लोगों ने कहा कि तू तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर पिता के तुल्य ठहराता है, यानी कि परमेश्वर के तुल्य तू उसको अपने आप को ठहरा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11:4, ये सारे रेफरेंस आप लिख लीजिए। यह सुनकर यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:4, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बात कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:36 भी आए, वहां पर लिखा है, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैंने खुद कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसलिए आप कह रहे हो कि मैं निंदा करता हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा हूँ। प्यारो, जो है वो ही जाहिर कर रहे हैं ना, प्रभु यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है, पिता शब्द परमेश्वर जो मनुष्य देह धारण कर पृथ्वी पर आया, वो पुत्र परमेश्वर है, बिगॉटन है, इसीलिए वो अपने आप को कहता है। चौथा एक रेफरेंस है जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा स्वीकार किया, जब आपको पता है कि नहीं, याचक उसको शपथ देता है कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मत्ती रचित सुसमाचार 26:63-64 भी आयत है ना, वहां पर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। और यीशु उसको 64वीं आयत में उत्तर देते हैं, यीशु ने उससे कहा, तूने अपने आप ही कह दिया। यानी कि जीसस, उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने ये एडमिट किया, ये स्वीकार किया कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर जो चार्ज लगाया था, ये भी मैंने आपको आगे बताया था कि उनके ऊपर जो चार्ज लगाया था पोंतियुस पिलात के सामने, पिलातुस के सामने, उनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया कि यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। आप ये रेफरेंस लिख लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:7। इन दिनों में और ज्यादा काम नहीं है तो इन सारी चीजों को आप स्टडी करिएगा, जिसके द्वारा आप नहीं, उनकी पहचान में और भी बढ़ते जाओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:7। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया, यानी कि अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराया, अपने आप को परमेश्वर कहा, इसलिए अकॉर्डिंग टू जो पुराना नियम, उसमें जो सही अनुसंहिता है, जो लॉ है, उसके हिसाब से वो उनको मार डालना, वो हमारा नियम कहता है, वो हमारी व्यवस्था है, उनका वह मारे जाने के योग्य है, ऐसा वचन में वहां पर लिखा है। यानी कि यहाँ पर भी जो चार्ज लगाया था गया था, वो था, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और अपने आप को, इसका मतलब है कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है, परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। यूहन्ना उन्होंने भी, दूसरा यूहन्ना उसका 3 अध्याय में
बहुत सारी जगह पर ये तो आपको मिल जाएगा कि यहुन्ना जो प्रभु यीशु का शिष्य था, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को पिता के पुत्र मसीह के रूप में कहा। बहुत सारी जगह पर नहीं, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, बहुत सारी जगह पर ये बातें आपको मिल जाएगी। सो इट इज यूनाइटेड टेस्टिमनी ऑफ न्यू टेस्टामेंट। पूरा पूरा नया नियम इसको बार बार जाहिर करता है कि हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। बाइबल में अभी प्रश्न ऐसा होता है क्योंकि अलग अलग जगह पर कई बार लोग आपको कहेंगे कि सन ऑफ गॉड या परमेश्वर का पुत्र दूसरे लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, पर जब यीशु मसीह के लिए ये इस्तेमाल हुआ है तो वो एक यूनिक यूनिक उसका मीनिंग है। वो हम देखेंगे कैसे यूनिक है। पर और कौन कौन लोग हैं जिसके बारे में ये परमेश्वर का पुत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है? तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा यदि आप देखो तो शब्द परमेश्वर का पुत्र ये नहीं वर्ड ये शब्द स्वर्गदूतों के लिए और कई बार इज़राइल को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया। इज़राइल एज ए नेशन, इज़राइल एक देश के तहत, एक देश के रूप में उनको भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। परमेश्वर की प्रजा है ना इज़राइल, उसको भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया। आदम था जो, वो पहला आदम, और यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है, वो दूसरा आदम है। तो आदम को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। आदम के विषय में आप रेफरेंस लिख सकते हो, आदम ऐसा लिखकर उसके सामने के उसको कहां परमेश्वर का पुत्र कहा गया। लुका रचित सुसमाचार 38वीं आयत लुका रचित सुसमाचार 38वीं आयत आदम व परमेश्वर का, जब वहां पर जीनियोलॉजी है ना, वहां हिंदी में क्या बोलेंगे उतना पता नहीं है, वंशावली है ना, वंशावली जो वंशावली है उसमें पूरी वंशावली जब एंड होती है यानी कि ओरिजिन पे आती है, जब आदम की बात आती है तो आदम के विषय में कहा गया कि जो वह परमेश्वर का पुत्र था, जो आदम जो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का जो भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ डायरेक्टली है ना, जो भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ वो उनको उनके लिए ये शब्द परमेश्वर का पुत्र इस्तेमाल किया जाता है। एंजल्स वो हमारे हमसे पहले थे है ना, इस दुनिया से पहले उनको रचाया गया था। और किसने रचा था? ऑब्वियसली परमेश्वर ने। वो रचने वाला भी प्रभु यीशु मसीह था, वो आने वाले समयों में हम देखेंगे, क्योंकि वो इटर्नली है ना, एलोहिम परमेश्वर, गॉड हेड इन ट्रायोनिटी, वो आदि से इस संसार में है। इस संसार में मतलब वो आदि से थे, जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था। इसीलिए उत्पत्ति एक कहते हैं आदि में परमेश्वर ने, यानी कि आदि में जब कुछ नहीं था, कुछ भी रचाया नहीं गया था, तब परमेश्वर था, यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो आदि से है। इसीलिए बाइबल कहती है कि मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, है ना। वो आदि से है, ये सब कुछ रचाया गया उसके पहले से है। पर जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ डायरेक्टली है ना, जो परमेश्वर ने रचा, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, परमेश्वर का पुत्र। यीशु के विषय में वो यूनिकली इस्तेमाल किया गया है, वो आके आगे हम देखेंगे। पर आदम के लिए लुका रचित सुसमाचार 38वीं आयत में एंजल्स जो स्वर्गदूत है उनके लिए, यदि आप अय्यूब का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत आप ले सकते हो, वहां आप जानते हो कि नहीं सभी स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए, वहां जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है यहोवा के पुत्र उसके सामने, यानी कि परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। यहोवा के पुत्र यानी किसकी बात है? स्वर्गदूतों की बात है। यदि आप वहां आगे पढ़ोगे अय्यूब का पुस्तक दूसरा अध्याय पहली आयत से, तो वहां पर लिखा गया है स्वर्गदूत उनके सामने इकट्ठा हुए और शैतान भी वहां पर आया, क्योंकि वो भी रचाया गया है ना, वो अपने अपने अस्तित्व नहीं रखता है, वो भी कभी स्वर्गदूत कैरूब, वो अभिषिक्त करूब था है ना, वो कभी स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत के भी प्रकार है, उसको सराफ करूब ऐसे रूप में उनका डिस्क्रिप्शन है। तो वो एक अभिषिक्त करूब था, वो स्वर्गदूत था। पर
स्वर्गदूतों के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। इज़राइल के विषय में यदि होशिया नबी की किताब 11 अध्याय और पहली आयत आप पढ़ो तो वहां पर इज़राइल अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परमेश्वर ने इज़राइल अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, ऐसा वहां पर लिखा गया, यानी कि इज़राइल के लिए। तो आदम के लिए स्वर्गदूतों के लिए, इज़राइल एज अ नेशन उनके लिए भी। इसीलिए आज भी यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यानी कि इज़राइल, हमारी बात हो रही है ना, उनके लिए भी ये वर्ड परमेश्वर का पुत्र ऐसा इस्तेमाल हुआ है, इज़राइल एज ए नेशन, है ना, कोई व्यक्ति नहीं, इज़राइल एज ए नेशन। और पीस मेकर्स जो शांति के दूत है, ये नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5:9 में मेल कराने वाले हैं, जितने भी मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, है ना। वो ये भी बात प्यारो प्रभु यीशु मसीह के कारण संभव है ना, वरना कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाया जा सकता। क्रिश्चियंस जितने भी मसीही है, क्रिश्चियंस मतलब नहीं सिर्फ नाम से मसीही नहीं, नाम से क्रिश्चियन नहीं, पर जो मसीह घर में कुटुंब में जन्मे है वो नहीं, पर जो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में मानते हैं उनको, है ना, लुका रचित सुसमाचार 20:20-36 आयत क्रिश्चियंस के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। स्वर्गदूतों के समान वो हो जाएंगे और परमेश्वर की भी संतान होंगे, परमेश्वर के भी संतान होंगे। इसका भी दूसरा मैं आपको यदि रेफरेंस दूं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 भी आयत आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जितनों ने भी वो अपने के बीच में आया और जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर उनके ऊपर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान, है ना, अपनी संतान बनाने का ने प्रिविलेज दिया, वहां पर वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, ऐसा लिखा गया है। यानी कि आदम के विषय में लिखा गया है परमेश्वर का पुत्र, स्वर्गदूतों के विषय में ऐसा कहा गया है क्योंकि वो आदम डायरेक्ट परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था, स्वर्गदूत उनको परमेश्वर ने रचाया था, इज़राइल उनके विषय में भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, और पीस मेकर जो शांति कराने वाले हैं, जो शांति कराते हैं उनके लिए, और क्रिश्चियंस के लिए स्पेशली ये प्रभु यीशु मसीह के कारण ही संभव हुआ है क्योंकि वो प्रथम फल है, और उनमें हम जब विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि वो हम में है और हम उनमें है, है ना, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं, प्रभु हम अब हमारे में रहता है, क्राइस्ट इन अस, पर प्रभु यीशु हमारे में, और उसके कारण हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जब आज हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर की पुत्रियां हैं, हाँ हमारे लिए भी वो शब्द है, वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, पर क्यों, प्रभु यीशु मसीह के कारण, है ना, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण, प्रभु यीशु में जो नई वाचा हुई है उसके कारण। तो आदम के लिए, एंजल्स के लिए, इज़राइल के लिए जो शांति कराने वाले हैं उनके लिए, और क्रिश्चियंस के लिए मसीह जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल कर किया गया है। तो अभी क्वेश्चन है ना ये है कि भाई जीसस वर्सेस नहीं प्रभु यीशु मसीह के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ वो यूनिकली है, अजोड़ है, अपने आप में अजोड़ है, और उसके सामने आदम, एंजल्स, इज़राइल, पीसमेकर्स और क्रिश्चियन सबके लिए। तो यदि मनुष्य और स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा जा सकता है तो फिर किस अर्थ में यीशु मसीह अलग है? यीशु मसीह के लिए जब ये कहा उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा तो वो किस रीति से अलग है, किस रीति से यूनिक है? इसका उत्तर यह है कि जीसस इज यूनिक, है ना, एक अपने आप में एक अजोड़ है, ये अपने आप में यूनिक है कि उनको सन ऑफ गॉड कहा गया। यीशु मसीह अद्वितीय परमेश्वर के पुत्र है जिसमें वह ईश्वर या परमेश्वर की समान है। हमने पहले देखा, क्यों हमने वो ट्रायोनिटी या ट्रिनिटी के बारे में देखा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। जब प्रभु यीशु मसीह को आप देखो, इजरायली लोगों ने जब वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, जब यीशु ने कहा और इतने नहीं, मैंने आपको वो भी बताया था कि पिता का रिविलेशन, पिता कहने का रिविलेशन, पिता का संबंध भी प्रभु यीशु मसीह को प्रकाशन लाए कि वो हमारा पिता है, है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कहता है तो वहां पर इजरायली लोग कहते हैं कि तू तो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। तो ये उस रीति से
आप आदम के लिए ये बात कहीं पे नहीं पढ़ोगे, ना ही किसी स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ोगे, ना और किसी के बारे में पढ़ोगे, पर जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है तो वो अपने आप को परमेश्वर के समान यहाँ पर प्रकट करता है, जब भी उनके लिए सन ऑफ गॉड। और वहां आप देखोगे द कई जगह पर डेफिनिट आर्टिकल यूज किया गया है, द सन ऑफ गॉड, है ना, वो डेफिनिट आर्टिकल कई जगह पर यूज किया गया है। आदम, आदम ईसर, ये सब हमने देखा कि कैसे आदम परमेश्वर का पुत्र कहला गया और वो सब। अब जीसस, वो हमने देखा कि वो इटर्निटी से है ना, वो आदि से है, और आदि से उनका जो नाम है ना, यदि पिता परमेश्वर का हम नाम की बात करें तो वो जो नाम यहूदी लोगों को दिया गया था वो था एल सद्दाई, एल सद्दाई, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो आप देखोगे प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और पहली आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह, जीसस यीशु, वो उनका अर्थली नाम है, है ना। वर्ल्ड, इस संसार में जब आया तो उनका नाम यीशु रखा गया, पर उसके पहले वो वचन था, शब्द, वर्ड, वर्ड वो उनका नाम था। और यही बात आप प्रभु के दास जब पास्टर अमित आगे आपको ले जाएंगे, ये बातें आएगी कि नहीं, उनका नाम, उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था, उनका नाम परमेश्वर का शब्द था, परमेश्वर का वचन था, है ना, शब्द, वर्ड वो उनका नाम है। तो जीसस सन फ्रॉम द इटर्निटी, वो आदि से है, है ना, वो उत्पन्न हुए उसके बाद वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, उसके बाद वो परमेश्वर नहीं है, वो एग्जिस्ट थे, सिर्फ वचन जो था, शब्द जो था, वो परमेश्वर बनकर इस संसार में मनुष्य देह धारण कर आया। आप यही बातें नए नियम में कई जगह पर देखोगे कि उन्होंने अपने ईश्वरत्व को, अपने ईश्वर को त्याग कर वो मनुष्य बना, अपने आप को खाली किया, अपने आप को नम्र किया। वो नम्र होना क्या है, अपनी देवत्व, अपने ईश्वरत्व को उन्होंने त्याग दिया और वो मनुष्य बना, वो ईश्वर होकर भी मनुष्य बना। जब वो इस संसार में था वो 100% मनुष्य था, आपके और मेरे जैसा, और वो 100% परमेश्वर भी था, वो परमेश्वर था जो मनुष्य बना। और इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में सन ऑफ गॉड शब्द आता है तो वो अपने आप में प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर होने का दावा करता है कि वो परमेश्वर है और सन ऑफ गॉड। उनके लिए ये भी एक शब्द हमने देखा कि यीशु के लिए सन ऑफ द हाईएस्ट, परम प्रधान का पुत्र, हिंदी में है ना, हिंदी में जो वर्ड परम प्रधान का पुत्र, ऐसा उनके लिए कहा गया, परम प्रधान का पुत्र। इसका भी नहीं, सन ऑफ गॉड, इसका यदि आप अर्थ देखोगे तो इस रीति में प्रभु यीशु मसीह के लिए ये इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर जैसा है वो ही स्वभाव प्रभु यीशु मसीह भी रखता है, है ना। परमेश्वर का चरित्र, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित किया, है ना। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, वचन कहता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पर ये भी वचन हम आगे देखेंगे कि पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रकट किया। परमेश्वर के पुत्र ने, किसने प्रकट किया परमेश्वर को, उनके पुत्र ने, यानी कि वो उनकी समानता में है, उन्होंने उनको प्रकट किया। सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, इसके सामने आप देख लिख सकते हो परमेश्वर का स्वभाव वो प्रकट करता है, परमेश्वर का चरित्र। ये शब्द जब प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है, जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, स्वर्गदूत उनको परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, पिता उनको अपना पुत्र कहते हैं, तो वो अपने आप में पिता का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का ऑर्डर, है ना, यानी कि परमेश्वर का अधिकार वो जाहिर करता है, परमेश्वर की समानता को वो जाहिर करता है। वो जूनियर नहीं है, है ना, जूनियर को हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, पर वो जूनियर गॉड नहीं है, वो जूनियर परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा भी जूनियर परमेश्वर नहीं है, जूनियर गॉड नहीं है। जो गलती यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में की, वो आज की कलीसिया, और नहीं, जब से नया नियम स्टार्ट हुआ, आदि जो प्रथम की कलीसिया थी वो पवित्र आत्मा के विषय में
ज्यादा नहीं बातें वहां पर आप देखोगे कि पवित्र आत्मा ने उनके गाइड किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो बार बार आप शब्द सुनोगे, तो वहां पर वो था। पर आज के समय में जो गलती यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को जानने में की, यानी कि उनको पहचान नहीं पाए, वही गलती आज कई लोग पवित्र आत्मा के विषय में कर रहे हैं, है ना। कई लोग तो दुख होता है, कई लोग उनको परमेश्वर के रूप में नहीं देखते, कई लोग उनको सिर्फ शक्ति बोलते हैं। प्यारो, वो शक्ति नहीं है, वो परमेश्वर के समान है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ वो को एग्जिस्ट करते हैं, है ना। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, सब समान है और सब इक्वल है, साथ है। जीसस, जब उनके, जब आदम के लिए बात किया गया कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ इसके लिए, पर प्रभु यीशु मसीह वो तो परमेश्वर के साथ ही था, है ना। कई बार जब यहूदी लोग उनके सामने आए तो एक बार प्रभु ने कहा था कि अब्राहम ने मेरे दिनों को देखने की चाहत रखी, पर मैं आपसे कहता हूं कि उनके पहले से मैं हूँ। क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहते कि उनके पहले से मैं हूँ, है ना। तो क्योंकि वो आदि से पिता के साथ एग्जिस्ट है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो आदि से एग्जिस्ट है, अनंत काल से। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि प्रकाशित वाक्य में आप देखोगे तो कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि जब सिंहासन की बात होती है तो वहां पिता अकेले के, यानी कि परमेश्वर अकेले के लिए बात की है। आप बार बार यहाँ पढ़ोगे, इन दिनों में बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप नहीं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हो। आप देखोगे वहां पर देव परमेश्वर के साथ हलवान शब्द भी इस्तेमाल, या मेमना, हिंदी में मेमना शब्द है ना, गुजराती में हलवान लिखा हुआ है। पिता या परमेश्वर और हलवान, परमेश्वर और मेमना, जब भी सिंहासन की बात आएगी तो आप देखोगे कि दोनों को एक ही जगह पर रखा गया है, एक ही समान है ना, एक ही समान है, एक ही सिंहासन की जब बात आती है तो पिता के साथ उनका स्थान आता है ना। तो वो उनके समान परमेश्वर है, वो पिता के समान है। पिता, मैं इसलिए वर्ड कह रहा हूँ कि हम उनको पिता के, परमेश्वर को हम पिता के रूप में जानते हैं, यानी कि वो परमेश्वर के समान है। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये अजोड़ है, यूनिक है, कि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, या प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब चेले लोग, वो जब पत्री लिखते हैं, जब वो लेटर जब लिखते थे, और वहां पर जहां कहीं भी प्रभु को विषय में परमेश्वर का पुत्र, यदि एफेसियों की पत्री एक और दूसरी आयत आप पढ़ोगे, हमारे पिता परमेश्वर, एफेसियों उसका पहला अध्याय पहली और दूसरी आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, यानी कि वो समानता में है, वो समान है ना। यही, ये ऐसे बहुत सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। वो प्रभु यीशु मसीह, एक बात समझ लो प्यारो, यहाँ कोई गलती मत कर देना। आदम से जब उनके पुत्र और पुत्रियां हुई, जेनेसिस में, उत्पत्ति में यदि आप पांचवें अध्याय में पढ़ो तो वहां के आदम ने भी नहीं अपनी पत्नी हवा को उनके साथ जब उनका रिश्ता हुआ, रिलेशन हुआ, और जब उनके पुत्र हुआ तो वहां के उनके समान, पर आदम के लिए भी ये शब्द है, पर जब वो, इट इज नॉट, जब आदम के पुत्र और पुत्रियां हुए तो वो लिटरल ऑफस्प्रिंग हम उनको बोल सकते हैं, यानी कि आदम के द्वारा जो बेटे और बेटियां हुए वो, पर प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर उस रीति से नहीं रखा गया है ना। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं कह सकते, और ना ही ऐसा कभी भी बाइबल में ऐसा वर्ड इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है ना। बाइबल में यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है बिगॉटन, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने, पता है, अपने आप के विषय में एक बार कहा है, बाइबल में पढ़ोगे नए नियम में, सभी रेफरेंस में नहीं दे रहा हूं, पर मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं, ऐसा कहता है ना, मैं उनमें से निकल कर आया, यानी कि वो पिता के साथ एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है। जब वो आए तब वो पिता में से निकल कर आए, वो अपने आप में, अपने आप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये वर्ड इस्तेमाल किया है। सो प्रभु यीशु मसीह, ही इज नॉट अ लिटरल ऑफस्प्रिंग, वो एक नहीं, जिसको हम बच्चा कहते हैं, यदि पुरुष और स्त्री के द्वारा बच्चा उत्पन्न होता है, वो ऐसे रूप में कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है।
वो उनमें से निकल कर आया है ना। वो पिता के साथ था, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आदि में वो कौन था? वचन था, शब्द था, वर्ड था, वो मनुष्य बना। इसीलिए जब ये पृथ्वी पर वो था, वो सन ऑफ गॉड उनके लिए पुत्र परमेश्वर है ना, बिगॉटन, बिगॉटन पुत्र परमेश्वर, इसीलिए हम उनको कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये एक रेफरेंस आप निकालिए, हम साथ मिलकर ये पढ़ना चाहते हैं। कलुष्यों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, हमारा समय हो रहा है बहुत, थोड़ी ही देर में हम कंक्लूड करेंगे। कलुष्यों की पत्री दूसरा अध्याय और उसका नौवां वचन, कलुष्यों की पत्री दूसरा अध्याय और नौवां वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की, यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात है ना, ये सारी बातें हम विस्तार से आने वाले दिनों में सीखेंगे। कलुष्यों की पत्री दूसरा अध्याय नौवीं आयत, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, परमेश्वर की हम जो बात कर रहे हैं, परमेश्वर जिसको लोग परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में ये परमेश्वर की ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता यानी कि जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर जो है वो सारी ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव वास करते हैं। एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह का हिंदी में उतना अच्छा वर्ड इससे कोई वर्ड मुझे मिला नहीं, पर इसको ऐसे कह सकते हो कि परमेश्वर का अवतार, सिर्फ समझने के लिए है ना, ऐसे ही मत ले लेना। जो इंग्लिश में जो मैं उसको बोलता हूँ एम्बॉडीमेंट है ना, एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड, एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड हेड, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का ईश्वरत्व, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव वास करती है। क्यों सदैव? क्योंकि पिता के, परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है ना, परमेश्वर आत्मा है, पर वही आत्मा परमेश्वर, वचन परमेश्वर मनुष्य बना, तब परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता ईश्वरत्व, परमेश्वर के ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव इस पृथ्वी पर वो था, इस पृथ्वी पर वो, और आज जब, क्योंकि उनका बॉडीली रूप अब है ना, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, उनको यीशु नाम दिया गया पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी के लिए, संसार के लिए उनको जीसस नाम दिया गया, क्योंकि उनके नाम के द्वारा, क्योंकि बलिदान उन्होंने किया है ना, इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव वास करती है। जब भी हम सन ऑफ गॉड कहते हैं उनको, तो वो परमेश्वर की परिपूर्णता है, परमेश्वर की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह है ना, गॉड इन बॉडीली फॉर्म, परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन, शरीर के रूप में परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन, जो शब्द परमेश्वर है वो मनुष्य बना है ना, जो आदि से शब्द परमेश्वर है वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पांचवा अध्याय दूसरी आयत, ये आखिरी आयत देखकर हम सिर्फ कंक्लूड करेंगे उनको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय और 20वीं, सॉरी यूहन्ना सुसमाचार नहीं, पर पहला यूहन्ना 5:20, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को जाने, किसको? उस सच्चे को, परमेश्वर के पुत्र के विषय में यहाँ पर बात की, प्रभु यीशु मसीह के, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, पिता है ना और पुत्र उसमें हम रहते हैं, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब भी बात होती है, देखो यार प्यारों के पिता के साथ उनको समान समान गिना जाता है ना, क्यों हम ये सीखा रहे? कई लोगों को शायद ये बेसिक लगे, पर ये कई लोगों को और ये सब बातें पता नहीं है, जो डीपली इनका स्टडी करते हैं उनको ये बातें पता होगी,
पर आज हम ये सब चीजें क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो स्टडी अभी हम कर रहे हैं, आने वाले में जो जब हम शिक्षा जब हम लेने वाले हैं, जो बातें हम सीखने वाले हैं, तो जहां मैं सन ऑफ गॉड या परमेश्वर का पुत्र बोलूं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मैं परमेश्वर का पुत्र कह रहा हूं तो उसका मीनिंग क्या है, और बहुत सारी बातें हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। वही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है, वही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। जो लोग प्रभु यीशु को सिर्फ नबी मानते हैं, या फिर कई लोग सिर्फ उनको भेजा गया मानते हैं, नहीं कि उनको तो उनको पिता ने भेजा है, पर क्यों यदि पिता ने भेजा है तो वो उनके साथ था, वो बात लिखी गई है, वो क्यों नहीं मान रहे हो? वो उनके साथ को एग्जिस्ट करता है, उनके साथ था, आदि में था, और प्रकाशित वाक्य में तो आगे आप देखोगे कि जब बात प्रभु यीशु मसीह की होती है, वहां वही बात जो पिता ने पुराने नियम में कही गई है उनके लिए भी लिखी गई है कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। आप प्रकाशित वाक्य में इन दिनों में पढ़ रहे हो, ये बातें जब आए तो इनको आप अच्छे से समझ सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह भी आदि में था, वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, इस संसार के लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने कीमत चुकाई, उद्धार का कार्य पूर्ण किया, और सदैव है ना पुनरुत्थान पाए हुए शरीर में वो लोगों के सामने एलिवेट हुए। एलिवेट, हम एलिवेटर नहीं, लिफ्ट को, लिफ्ट का रियल शब्द है एलिवेटर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से विपरीत एलिवेट, एलिवेट होकर वो अपने आप के सामर्थ्य में है ना एलिवेट होकर ऊपर गए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में और एक बात मैं आपको बता दूं, एक ऐसी भी बात लिखी गई है यहुन्ना 5वें अध्याय में, यदि आप पढ़ो, वो मैंने आपको पिछली बार बोला था कि आप पढ़ना है ना घर पे, यहुन्ना 5वें अध्याय में, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है वैसा ही पुत्र को भी अधिकार है, उनको दिया गया है, पुत्र को भी अधिकार है कि वो अपने आप में जीवन रखे, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है वैसा पुत्र भी अपने आप में जीवन रखता है। पिता जैसे न्याय करता है पुत्र को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो जगत का न्याय करे, जगत का न्याय करे है ना। न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये हम जानते हैं। कई अन्य विश्वास के लोग, कुछ अन्य विश्वास के लोग भी ये मानते हैं, कुरान की 36वें चैप्टर में यह है कि ईसा अलैहि सलाम न्याय करने के लिए आएंगे है ना। कंक्लूड करते हैं इसको, सुनाओ वह इस अर्थ में जो भी हमने देखा, इसी अर्थ में परमेश्वर के पुत्र है, उसके पास परमेश्वर के समान प्रकृति है, प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समान प्रकृति में है, वह परमेश्वर की समानता में है, परमेश्वर के अधिकार में है। सो कंक्लूड करते हैं, पिता परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह को पुत्र कहते हैं, स्वर्गदूत भी उनको सन ऑफ गॉड परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, जो गैब्रियल की बात हमने देखी, यीशु के शिष्यगण जो शिष्य थे वो भी उनको परमेश्वर के पुत्र के रूप में कहते हैं, एपिस्टल्स जो भी ना पत्रियां पढ़ो तो वहां काफी बार ये बात लिखी गई है, प्रेरित पाउल ने भी उनको कहा, यहुन्ना ने उनको कहा है, और यहाँ तक कि शैतान भी यीशु को, हमने वो डीमन की बात देखी, और शैतान भी जब देखो प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह का वो नहीं परीक्षण करने आता है 40 दिन के उपवास के दौरान और उसके बाद है ना, जैसे ही वो आता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र, वो टेस्ट क्या था है ना, वो क्या शब्द कहकर उनका परीक्षण करता है, परमेश्वर का पुत्र, शैतान भी उनको परमेश्वर के पुत्र के रूप में, डीमंस है ना, जो डीमंस है दुष्ट आत्मा है, वो उनको परमेश्वर के पुत्र के रूप में, हालांकि यही, और दूसरी बात हमने देखी, यदि ये लोगों ने विटनेस किया, दूसरी बात आदम के विषय में, स्वर्गदूत के विषय में, इसराइल के विषय में जो शांति कराने वाले हैं उनके विषय में, और मसीह विश्वासियों के विषय में भी परमेश्वर का पुत्र उनके लिए इस्तेमाल होता है, पर जब प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड या परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को अनन्य रूप में, यूनिकली, अजोड़ रूप में उनको परमेश्वर का पुत्र ऐसा नामित करता है, और वो यूनिकनेस है, परमेश्वर की प्रकृति, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का अधिकार,
खुद परमेश्वर, वचन परमेश्वर इन बॉडी फॉर्म, वचन परमेश्वर जो पिता के साथ को एग्जिस्ट है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उसमें पुत्र परमेश्वर जो को एग्जिस्ट है परमेश्वर के साथ, वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया और उसके लिए जब इस्तेमाल हुआ तो वो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का ऑर्डर अपने आप में वो है ना, एम्बोडीमेंट ऑफ गॉड, ऐसा भी उसको आप कह सकते हो। प्रॉपर वर्ड मुझे मिल नहीं रहा है, पर परमेश्वर का अवतार, पर एम्बोडीमेंट ऑफ गॉड आप उसको कह सकते हो। बाइबल पुत्र शब्द का अर्थ परमेश्वर के स्वभाव के रूप में, परमेश्वर के चरित्र के रूप में करता है, और इसी अर्थ में प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का पुत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है। और यह पुत्र टाइटल कभी भी पुत्र को पिता से कम नहीं करता है, है ना, उनके बल्कि पिता से कम ना कर पिता के समान होने की उसको रिवील करता है, पिता के समान रिवील करता है ना, नॉट इंफीरियर टू फादर बट उनके समान, इक्विवेलेंट टू फादर, इक्विवेलेंट उनके समान। आइए हम आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये सारी बातें समझने के लिए परमेश्वर और भी हमारी सहायता करे आने वाले दिनों में, जब हम और भी गहराई से आने वाले दिनों में कैसे वचन देहधारी हुआ, कैसे सृष्टि की रचना हुई, वो सारी बातें हम देखेंगे। पर जब भी शब्द परमेश्वर का पुत्र आता है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तब आपको पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु को क्यों सन ऑफ गॉड कहा गया है ना? परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो वचन परमेश्वर, जो आदि से परमेश्वर है, जो आपके साथ को एग्जिस्ट है, जो आपके साथ आदि से है, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर, एक परमेश्वर जो थ्री डिफरेंट पर्सनालिटी में, थ्री पर्संस, ट्रायून गॉड, उसमें वचन जो देहधारी हुआ, परमेश्वर जो मनुष्य बना और हमारे बीच में आया, हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दिए, अपनी लहू बहाकर, पवित्र लहू बहाकर हमारे लिए उन्होंने जान दी, हमारे लिए कीमत चुकाई, और प्रभु आज उस बलिदान के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण, उनके ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र में रूप में स्वीकार करने के द्वारा, प्रभु हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम आपकी संतान हैं, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप मनुष्य बनकर इस संसार में आए, हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई। यदि प्यारो आप में से कोई ऐसा है कि जो पहली बार शायद ऐसी बातें सुन रहा है, पहली बार प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान रहा है, तो एक छोटी सी दुआ आप कर सकते हो, मेरे पीछे आप बोल सकते हो, परमेश्वर का आत्मा मुझे ये, पहले भी जब मैं इसका थोड़ा रिविजन कर रहा था, इसका अध्ययन कर रहा था, तब मुझे ये बात प्रभु ने कही थी कि आज तू ये दुआ करा ना। तो जो भी, यदि पहली बार, यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मेरे पीछे ये प्रार्थना आप दोहराए। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आता हूं, प्रभु यीशु मसीह को मैं मेरे प्रभु के रूप में और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए उन्होंने कीमत चुकाई, उनके क्रूस के ऊपर मारा गया, उनको दफनाया गया और तीसरे दिन वो फिर से पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु मसीह में मुझे अनंत जीवन मिला है। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। आपके अनंत जीवन की भेंट को मैं स्वीकार करता हूं। आपका प्रेम, आपके आनंद और आपकी शांति को मेरे जीवन में मैं जाहिर करता हूं। पवित्र आत्मा, जो मुझे गिफ्ट के रूप में, जब भी इस संसार में कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा हमें मिलता है,
पवित्र आत्मा, मैं मेरे जीवन में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को आप सुंदर बनाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना आप सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं, जितनों ने भी प्रभु रेफरेंस लिखे हैं, वो और भी स्टडी करना चाहते हैं, प्रभु ये सारी बातें जो हमने सीखी है उसके प्रकाशन में और भी आप हमें गहराई में ले जाए, और परमेश्वर आपकी पहचान में हम और भी बढ़ते जाए, और आने वाले दिनों में प्रभु हम आपके साथ के संबंध में बढ़ते जाए, क्योंकि आपकी पहचान हमें आपके करीब लाती है। जितना हम गहराई से आपको जानते हैं, हम आपके और भी करीब आते हैं। जितना हम आपको अच्छे से गहराई से आपको जानते हैं, हमारी आराधना प्रभु इम्प्रूव होती है, हम और अच्छी तरह से प्रभु अपने जीवन में आपको स्थान दे सकते हैं। इसलिए प्रभु आपकी पहचान में आप हमें और भी बढ़ाइए, आपकी पहचान में हमें आप और भी आगे ले जाइए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ और प्रार्थनाओं को सुना है। सारी आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमेन।